हम बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसमें हम फोल्डर एंड फाइल क्रिएट करना चाहेंगे। तो देखिए, जब भी कोई एक्सेल के अंदर जब भी हम कुछ बनाते हैं या कंप्यूटर के अंदर कुछ नया बनाते हैं तो उसको प्रॉब्लम कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और जो हम क्रिएट करते हैं वो सोल्यूशन होता है। क्योंकि तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो पहले आवश्यकता को समझना है तभी आप उसके रिलेटेड कोड लिख पाएंगे। तो आवश्यकता क्या है, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जहां से डेटा डाउनलोड करना होता है। अब ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि आप क्लिक किए और फाइल डाउनलोड हो गया। मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा अलग है, जो कि एक्सेल फाइल डाउनलोड नहीं होता है, वो एडिट होता है। मतलब जैसे मैं डाउनलोड डेटा पे क्लिक करता हूँ तो क्या करता है उस डेटा को, जो डेटा है वो उससे बोलता है फाइल बताओ किस फाइल में डालना है। तो मैंने बताया कि वन नंबर फाइल, तो वो सिलेक्ट करके उसके अंदर शीट पे जाके डेटा को डाल देता है। मतलब कि जो मेरा सॉफ्टवेयर है कोई भी फाइल क्रिएट नहीं कर पाता है, वो किसी क्रिएट की गई फाइल को एक्सेस कर पाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे एवरी डे फाइल डाउनलोड करना पड़ता है, एवरी डे फाइल को डाउनलोड करना पड़ता है, तो मुझे उसको अरेंज रखना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ड्राइव चूज करता हूँ। जैसे कि मैंने चूज कर लिया जी ड्राइव। जी ड्राइव के अंदर 2022 चल रहा है, 2022 का फोल्डर बनाऊंगा। 5वां महीना चल रहा है तो 5वें महीने का फोल्डर बनाऊंगा। और आज का डेट है 30, तो हम एक नया फोल्डर बनाऊंगा 30 का। और फिर उसके अंदर हम एक्सेल फाइल क्रिएट करेंगे न्यू करके, और इसका नाम 30 देंगे। तो मुझे एक काम पर डे करना पड़ता है। फोल्डर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मुझे हर दिन ए फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है और उसके अंदर फाइल क्रिएट करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि एक बार मैं माइक्रो रन करूं और रन करते ही ये फोल्डर्स सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग अपने आप क्रिएट हो जाए। तो चलिए हम डेवलपर टाइम में जाते हैं, विजुअल बेसिक। और विजुअल बेसिक में जाके हम पहले सबसे पहले तो ड्यूअल स्क्रीन करता हूँ, और यहाँ पे इंसर्ट मॉड्यूल और यहाँ पे सब्जेक्ट देता हूँ और लिखता हूँ फर्स्ट प्रो। राइट क्लिक, ओपन एंड क्लोज। तो हमने माइक्रो का नाम डिक्लेयर कर दिया। माइक्रो नाम डिक्लेयर करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि करेंट सिस्टम डेट कैसे पिक करेगा, कैसे सिस्टम डेट को लेगा। तो सिस्टम डेट को लेने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं, एक्सेल में कैसे लिखेंगे पहले जान लेते हैं। एक्सेल में जो होता है वो होता है टुडे का फॉर्म, टुडे। तो टुडे फॉर्मूला करेंट सिस्टम डेट देता है, और इसमें से ईयर का फॉर्मूला हम लेते हैं तो ईयर अलग हो जाता है, मंथ का फॉर्मूला लेते हैं तो मंथ अलग हो जाता है, और डे का फॉर्मूला लेते हैं तो डे अलग हो जाता है। देखिए एक्सेल में तो टुडे का फॉर्मूला एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। अब टुडे का फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा है, कैसे पता चला कि जैसे मैं टुडे लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, नीचे साइंटेक्स नहीं आया। लेकिन देखिए ईयर का फॉर्मूला हम लगाते हैं तो देखिए नीचे साइंटेक्स आ जाएगा, मतलब ईयर का फॉर्मूला वीवीए में सपोर्ट करता है। देखिए एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मूला वीवीए को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला वीवीए को सपोर्ट नहीं करते हैं, समझे। तो एक्सेल के खुद के वीवीए के खुद के भी फॉर्मूले हैं। जैसे कि वीवीए खुद का फॉर्मूला बात करते हैं, टुडे का फॉर्मूला वीवीए में डेट का फॉर्मूला बन जाता है इस तरह से। अब प्रॉब्लम है कि जो डेट है वो स्टोर कहाँ होगी, क्योंकि तो इसको एक डेट, अगर डेट दे रहा है तो उसको लेने वाला तो कोई चाहिए। यहाँ पे हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग लिखते थे कि एक्स इक्वल टू 100, अब बाद में मुझे कहीं चाहिए तो एक्स प्लस 20, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा ना 120, क्या बोल रहे हैं सर। तो हमने यहाँ पे एक डिक्लेयर कर दिया, जहां जहां मुझे 100 की जरूरत है वहां वहां हम एक्स की यूज करेंगे। तो
सेम उसी तरह से यहाँ पे वेरिएबल मतलब कि टेम्पररी लोकेशन, जैसे हमने y इक्वल टू कर दिया डेट, डेट जो है y के ऊपर स्टोर हो जाएगा। अब मुझे जहां भी डेट चाहिए, जैसे MHG बॉक्स मैंने डाला और इसमें मैंने कर दिया y, y, तो आप देखेंगे कि सिस्टम का डेट यहाँ पे दिख गया। ठीक है, देखिए मुझे डेट नहीं चाहिए, मुझे तो ईयर चाहिए, तो मैं यहाँ पे ईयर का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो सिस्टम डेट ईयर को देगा और ईयर उसमें से ईयर अलग करके 2022 जो है वाई पे स्टोर कर जाएगा। देख सकते हैं एमएलजी बॉक्स के अंदर हमने वाई लिख दिया, तो आप देखेंगे कि आपका ये वाई आ गया। आ गया, क्लियर है? क्लियर क्लियर। अब इसी तरह से दो तीन करेंगे, तो यहाँ पे हम करते हैं मंथ m इक्वल टू मंथ, मंथ में हमने मंथ, मंथ में हमने दे दिया डेट, यहाँ पे करते हैं d इक्वल टू डे, इसमें हमने दे दिया डेट। तो क्या हुआ कि सिस्टम डेट से मंथ ईयर एंड डे अलग अलग y m d पे स्टोर हो गया, y m D पे स्टोर हो गया, Y फॉर ईयर, M फॉर मंथ, D फॉर डे। ठीक है, समझे? जी जी, क्लियर। अब बात आती है फोल्डर क्रिएट करने की। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए होता है MKDIR, मेक डायरेक्टरी का शॉर्ट फॉर्म होता है MKDIR। इसमें मुझे देना होता है ड्राइव, मुझे कहां सेव करना है, जी के अंदर, जी के अंदर स्लैश 2022, ओके 2022। तो जो लास्ट वाला होता है ना उसी को क्रिएट करेगा, लास्ट वाला। इसमें इसको रन कर दूं, तो रन करते आप देखेंगे यहां पे फोल्डर में कि 2022 का फोल्डर क्रिएट हो गया ना। डबल है सर? जी सर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तो 2022 हमारा फिक्स हो गया ना, मैं तो चाहता हूँ कि 2022 जो है करेंट ईयर के अकॉर्डिंग फिट हो जाए। तो यहाँ पे एंड परसेंट में हम देते हैं y, ठीक है जी सर। एक सेकंड पूछिएगा, एम के डी आई आर। अब इसी को हम करेंगे कॉपी और नीचे तक करेंगे पेस्ट, और यहाँ एन परसेंट, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा वाई, वाई नहीं सॉरी इन्वर्टेड कॉमा स्लैश, और हम दे देते हैं डी, डी नहीं होगा, एम होगा ना सर, एम। वापस इसको कॉपी किया और यहाँ एम के बाद हम कर देते हैं अगेन स्लैश एन परसेंट, और ये हो जाएगा डी। ओके, तो इसको रन करके देख लीजिए, आप देखेंगे एक फुल 2022 के अंदर, पांच पांच के अंदर, 30 30 के अंदर। अब इसके अंदर फाइल क्रिएट करना है, तो फाइल क्रिएट करने का होता है वर्क बुक्स बुक्स डॉट ऐड, ठीक है, और इसी के साथ हम कर देते हैं इसको सेव एज, और सेव एज में एक वाला पाथ है, पाथ लेकर आते हैं, और यहाँ पे एन परसेंट करेंगे क्योंकि फाइल का नाम भी तो देना है, फाइल का नाम भी डी ही होगा, और इसके साथ एक्सटेंशन भी तो ऐड करना है डॉट एक्सलेस एक्स, समझे? अब डी दो बार क्यों दिया, क्योंकि ये तो यहां तक तो फोल्डर आ गया ना, ये फाइल नेम हो गया 30, अरे हो गया एक्सटेंशन, समझ गए? और फिर यहाँ पे जो फाइल ओपन होता है वही एक्टिवेट होता है, एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज
इक्वल टू ट्रू और मैसेज बॉक्स में एम एस जी बॉक्स जॉब इज डन या जो भी लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है? ओके okay? हम एक बार फोल्डर यहां से डिलीट कर देते हैं क्योंकि एक नाम के दो फोल्डर नहीं हो सकते सेम लोकेशन। रन करता हूं, रन करने के बाद फाइल क्लोज किया और हमें यहां पे मैसेज दे दिया जॉब इज डन। आप जाके देखेंगे 2022 5 30 और रहा फोल्डर 5। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर ऑलरेडी पहले से फाइल अगर पता है, ऑलरेडी पहले से फोल्डर बना है तो दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे आप दोबारा रन करेंगे, रन करते ही ये आपको आएगा एरर, फाइल पाथ एक्स पाथ फाइल एक्सेस एरर, क्योंकि वो ये पाथ को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि ऑलरेडी 2022 नाम का फोल्डर बना है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर एक देना है कोड ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है? ये क्या करेगा, सिंपल सा जिस जिस लाइन में एरर होगा उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएगा, समझे? तो यहां पे हमने एरर को ट्रिगर नहीं किया, हमने एरर को क्या किया, स्किप कर दिया। मुझे पता है कि एरर क्यों आ रहा है तो भाई वो लाइन चले ही ना, क्लियर है? जी सर क्लियर। हाँ जी सर। अच्छा एक क्वेश्चन था, एक छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार वो फोल्डर लिस्ट में जाइए सर, आपका जो फोल्डर है जो पाथ में, अगर मेरे पास ऑलरेडी 2022 है, 5 है तो नहीं बनाएगा, उसी के अंदर चला जाएगा ना। हाँ मैं बता तो रहा हूँ सर, हाँ 30 है ऑलरेडी है, मैं चाहता हूँ कि ये 30 के अंदर ही मेरा फाइल सेव हो जाए, तो इसका पाथ तो डायरेक्ट दे सकते हैं ना, मुझे नया फाइल नहीं क्रिएट करनी है। नहीं, यहाँ पे मैंने, या फिर मैंने जो कोड बनाया है वो क्या है कि अगर फोल्डर है तो उसको उसको नया फोल्डर नहीं बनाएगा, स्किप कर देगा और उसी के अंदर फाइल सेव कर देगा। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने जो 3 लाइन लिखे rather than writing 3 lines, अगर मुझे बस ये 2022 मेरा fix है already है, उसके अंदर 5 मेरा already है, मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ तक तो ले सकते हैं, उसके बाद मैंने D या Y लगाऊंगा ampersand करके, ठीक है, clear है। अब बात करते हैं, आपने जो अभी starting में मुझे साथ problem discuss किया, उस problem की बात कर लेते हैं। आपने बोला कि सर मेरे यहाँ problem हो गई है, नहीं हो रहा था, तो क्या होता है कि देखिए फोल्डर में तो ये चल जाता है, राइट, ये फिक्स है, पर कभी कभी फाइल के जो पाथ होता है ना उसमें ए कहीं पे ए स्लैश लेता है तो कहीं पे ए लेता है, एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या करें कि आप माइक्रो को करें रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद आप इसको करें सेव एज, एक मिनट जब कोड हट जाएगा, कोड रख लेता हूं आपको देना होगा ना, तो सेव एज ब्राउज किया मैंने और यहां हमने इसको यहां पे एक्सेल वर्कबुक लिया और 2022 में ही मान लीजिए मैं इसको 30 के नाम से सेव कर दिया। ठीक है, अब यहां पे स्टॉप किया और इसमें देखते हैं माइक्रो, ये देखा, अब इस पाथ को आप ले लीजिए और इसमें जो बाकी चीजें उसको ऑटोमेट कर दीजिए, समझे? देख लीजिए कौन सा स्लैश है, बस इस स्लैश ले लीजिए, यहां से कॉपी कर लीजिए और अपने हिसाब से स्लैश दे दीजिए, तो ये दिक्कत होता और दिक्कत। दूसरी चीज दिक्कत कब आती है, एक्सटेंशन की, देखिए डॉट एक्सलेस हम डायरेक्ट लिख देते हैं लेकिन जैसे ही फाइल को एक्सलेस एम या कोई और में देते हैं तो फिर यहाँ पे आपको फाइल टाइप देना पड़ता है क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया हुआ है, दिख रहा है फाइल फॉर्मेट? तो ये सब रिकॉर्डिंग करने से आपको पता चल जाएगा। ओके ओके समझ में आया? हाँ जी सर।